लक्ष्मी, मैं तिलक भारती स्कूल की टीचर हूँ। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था इक्वेशन का सिंपल, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट वाला। अब मैं आपको अपॉन में बताने जा रही हूँ। अगर मैथ्स अगर हमारा अपॉन में दिए रहे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, 2y + 9 upon 3 = 3y + 10। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जब ये अपॉन में रहे 2y + 9, तो अपॉन वाला जब नंबर इधर डिवाइड में है उधर जाके हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ब्रैकेट भी लगा देंगे हम। अब नेक्स्ट 2y + 9 = 9y, 3 × 3 9y + 3 × 10 हमारा 30 आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y जो है उसे एक तरफ ले लेंगे। 2y इधर प्लस में है हमारा, 9y इधर आके हो जाएगा ये -9y इक्वल 30 का 30 लिखे, इधर प्लस वाला जो 9 है हमारा इधर जाके -9। अब हम इसे माइनस करेंगे, -9y - 2y = -7y। और इधर हमारा 30 - 9 = 21। अब y इक्वल 21 अपॉन यहाँ जो हमारा मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड हो गया। अब इसे हम कैंसिल किए, 7 × 7 and 7 × 3 = 3। अब क्या हो गया, ये माइनस है हमारा, तो यहाँ पर हमारा y का वैल्यू आ गया -3। अब इसे हम चेक करेंगे, 2y + 9 upon 3 = 3y + 10। पहले हमें क्वेश्चन को लिखना पड़ता है चेक करने के लिए। 2y का जो वैल्यू है जो हम निकाले हैं -3, उसे ब्रैकेट में लिखे, +9 upon 3 = 3 × यहाँ पर फिर हम -3 लिखे y का वैल्यू +10। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 × 3 = -6 + 9 upon 3। नेक्स्ट हम इधर लेंगे, 3 × 3 = -9 + 10। अब इसके आगे हम 9 में से 6 माइनस करें तो 3 आ गया, 3 upon 3। और इधर हम 10 में से -9 किए तो 1 आ गया, 3 और 3 कैंसिल होके हमारा 1 = 1। सो द आंसर एंड राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, हमारा दोनों सेम आंसर आ गया।